अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबी सद किचन एंड व्लॉग्स। तो मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। तो ये वीडियो व्लॉग जो है चांद रात के दिन का है। तो हम लोग खा रहे हैं शीर खुरमा या फिर सेवई, तो ये खा चुके हैं हम। तो इसके बाद हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर लिया था। तो ये मेरी छोटी लड़की की मेहंदी लग रही है, देखिए। ये है मेरी बड़ी वाली लड़की की ईद की मेहंदी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। और ये है मेरी मेहंदी। तो देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बिल्कुल नॉर्मल सी मेहंदी लगाई है बस। तो वो जो हमने उस दिन क्या ख़रीदा था, पठानी, तो ये है वो पठानी। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये ब्लैक जैसा लग रहा है, ब्लैक नहीं है इसका कलर, डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू। तो ये था उस दिन हमने शॉप फाइनल एंड मोमेंट शॉपिंग में व्लॉग में जो मैंने शेयर किया था, वो यही पठानी मैंने ख़रीदा था। तो अब यहाँ पे चल रही है ईद की क्लीनिंग। तो सब कुछ डस्ट हो पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। तो सुबह ईद है तो यहाँ पे चल रहा है हाउस क्लीनिंग। तो यहाँ पे मेरी डॉटर जो है क्लीन कर रही है। और ये है मेरी मेहंदी, बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी है, देखिए। और मेरा दूसरा हाथ भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम सब ने मेहंदी लगा लिया था। मैंने तो एक दिन पहले ही, चांद रात से एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी एक हाथ पे। तो काम ज़्यादा रहता है तो ईद के मौके पे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मेरी छोटी वाली लड़की, बड़ी वाली लड़की ने एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी, और फिर दूसरे दिन मेरी छोटी वाली लड़की ने मुझे दूसरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। अभी तो ये सीख रही है। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। तो कैसा लगा आप लोगों को आप बताइए। मेरी छोटी वाली लड़की की मेहंदी भी मैं बताऊंगी, वो फ़िलहाल क्लीनिंग कर रही है। तो ऐसा है, तो देखिए। तो यहाँ पे मैं प्याज लेके आई थी तो वो फिल कर रही हूँ। तो देखिए, सब ईद के लिए जो ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, सब कुछ लेके आई थी, तो सारा कुछ इस तरह से मैंने फिल कर दिया है, आप देख सकते हो। तो इसको हम ढकन देते हैं। तो और ये सब मैं चेंज करूँगी बाद में, शाम में चेंज करूँगी मैं। कर्टेंस, सोफ़ा कवर, सब कुछ मैं बाद में चेंज करूँगी। तो देखिए, ये सब ये निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन। तो मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। फटाफट से जल्दी जल्दी इसको हम पील कर लेंगे। और दूसरी और मैंने हरी, तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ। तो इसी के साथ हमारी चल रही है छोटी सी आइसक्रीम पार्टी या फिर आइसक्रीम ट्रीट, ब्लैक करंट आइसक्रीम। तो देखिए, ये थी इनकी, तो ख़त्म हो चुकी है, इनकी भी ख़त्म हो चुकी है। मैंने दाल बघारी है, देखिए अब के लिए है ये। तो दूसरी और मैंने जो है जिंजर गार्लिक
अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनकर तैयार है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स करके हम एक फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पे मैंने जो है गोश्त अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है कीमा बनाने के लिए। तो सुबह के नाश्ते के लिए मैं कीमा बना रही हूँ, अभी मैं इसको बना के रख दूँगी। थोड़ा सा वाटर ड्रेन होने के बाद इसका हम कीमा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा शीरा जो है बन रहा है गुलाब जामुन बनाने के लिए, आप देख सकते हो। तो इसको हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है MTR के 2 पैकेट्स गुलाब जामुन, तो मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। अच्छा। मैंने यहाँ पे मिल्क को जो है बॉईल करके ठंडा कर लिया है गुलाब जामुन का जो आटा गूंदने के लिए। आटा गूंद गया है, इसको 5 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देंगे, इसके बाद हम गोले बना लेंगे। तो अब हमारे गुलाब जामुन के जो है आटा गूंद चुका है, तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे बिना क्रैक वाले। तो इसको हम फटाफट से इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो ये देखिए हमने गोले इस तरह से हम इसको बिना क्रैक के बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन जो है ऑयल में डुबकी मार चुके हैं, यानी कि फ्राई हो रहे हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो किस किस को गुलाब जामुन जो है बिना शीरे में डाले हुए खाना पसंद है, जैसे फ्राई करते ही गरम गरम सूखे जामुन खाना पसंद है, मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मुझे इस तरह से सूखे गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, तो कमेंट्स में बताइए। तो हमने सारे गुलाब जामुन जो है फ्राई कर लिए। इसमें थोड़े मैंने लॉन्ग में भी जामुन के शेप्स बना लिए हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने सारे गुलाब जामुन इसमें ऐड कर लिए हैं शीरे में, चाशनी में, हम यहाँ पे शीरा बोलते हैं। तो ये सूखा गुलाब जामुन मैं अलग से खाने के लिए रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छे से वॉश करके तो इसको हम छोड़ेंगे 4 विजल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ साउथ इंडियन शादियों वाली बैंगन का खट्टा बनाने की रेसिपी। अगर इस रेसिपी को आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, मैं रेसिपी अपलोड कर दूंगी। तो रात के बज रहे हैं 2:45, तो 2:45 बजे ये देखिए ये खान साहब तो ये बैंगन का खट्टा जो है बिरयानी के साथ खाने में बहुत लाजवाब रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।